कल हम लोगों ने लास्ट में क्या डिफाइन किया था? कल हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन किए थे हमने, और डिफाइन किए थे लेकिन मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं किए थे एक्सप्रेशन। तो आज हम लोग उसी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, मान लो ए मेरा कोई स्टेशनरी पार्टिकल है, ठीक है, और पी जो है ए के फ्रेम से जो है वो, हाँ एक स्टेशनरी है तो ए का फ्रेम बोल दो, या समझ लो ग्राउंड फ्रेम से ही अगर स्टेशनरी है, तो बी जो है मेरा बी बी वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो डी टी टाइम में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये डी टी डी टी डिस्टेंस हो जाएगा, और डी बी डी टी कितना छोटा होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा, बहुत स्मॉल होगा, दिस फिगर इज हाईली एग्जैजरेटेड, ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस होगा, इमेजिन कर पा रहे हो कितना छोटा डिस्टेंस होगा डी बी डी टी, ठीक है। अच्छा अगर ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इनके बीच में एंगल बहुत ही स्मॉल होगा, कह सकते हैं नियरली पैरेलल है, ऑल्दो एग्जैक्टली पैरेलल नहीं, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस बट नियरली पैरेलल इन द सेंस कि अगर इसके ऊपर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसको मैं ट्रांसवर्सल जैसा ट्रीट कर सकता हूँ, अगर ये एंगल थीटा तो इस एंगल को भी ऑलमोस्ट थीटा मान सकते, समझ में आ रही बात की नहीं। इफ डी फाई इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, इमेजिन करो ऐसे करके ऐसे लाइन्स हैं, उस केस में क्या होगा, वही अल्टरनेट एंगल्स और ये क्या नाम है जेड शेप में एंगल को सब बराबर कर पाओगे, राइट। तो दे आर नियरली पैरेलल ऑल्दो नॉट एग्जैक्टली पैरेलल, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन बट दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल इज ऑलमोस्ट थीटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंपास ए पे रख के पेंसिल पी तक खोल के मैं इसके ऊपर एक आर्क लगा लूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर होगा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना हुआ, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस हुआ, और अब आर्क लगाओगे तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 90 डिग्री, और ये जो ट्राइंगल है तुम्हारा पी बी डैश सी ये ऑलमोस्ट एक राइट ट्राइंगल जैसा दिख रहा होगा, इमेजिन करो बहुत छोटी लिमिट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देन दिस विल लुक लाइक अ राइट ट्राइंगल। अभी क्या हो जाएगा इसका, ये जो डीएल है एक्स्ट्रा लेंथ, ये क्या हो जाएगा बीपी डीटी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, बोलो। तो यही लिखा हुआ है, डीएल जो है मेरा क्या हो जाएगा वो बीबी डैश कॉस थीटा यानी बीबी डीटी कॉस थीटा, तो डीएल बाई डीटी क्या हो जाएगा फिर, वो सिंपली वीबी कॉस थीटा आ जाएगा, है समझ में कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो वीबी कॉस थीटा क्या है, इसका तो रेडियल कॉम्पोनेंट ही है ना, तो रेडियल कॉम्पोनेंट जो होगा उसकी वेलोसिटी का, वीबी कॉस थीटा क्या मतलब लाइन जो है ना अलोंग कॉम्पोनेंट, वो हमारा पार्टिकल को दूर ले जा रहा है, समझ में आई बात की नहीं। तो वेलोसिटी सेपरेशन इज जस्ट ये कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ठीक है। और इसको हम चाहें तो हम वेक्टर्स में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर इसका ये वी बी वेक्टर है और ये मेरा ए बी कैप वेक्टर है, तो वेलोसिटी सेपरेशन विल बी वी बी डॉट ए बी कैप, ए बी कैप का मतलब क्या ए से बी तक, ध्यान रखना है बी ए कैप नहीं है ये ए बी कैप है, ध्यान रखना। तो वी बी को अगर करना है तो ए बी कैप से डॉट लेना पड़ेगा, समझ गए, वी बी डॉट ए बी कैप। इसी तरह से अगर ए चल रहा होता तो वी ए डॉट बी ए कैप हो जाता, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज वेलोसिटी सेपरेशन इज वीबी डॉट ए बी कैप, हियर ए बी कैप रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर, तो ए बी कैप इज नॉट सेम एज बी ए कैप, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया ये डेरिवेशन, देख लो एक सेकेंड। अब मान लो मेरे दोनों पार्टिकल्स मूविंग है, पहले तो मैंने खाली ए को स्टेशनरी रखा था और बी को मूव कर दिया था, लेकिन अगर मेरे दोनों पार्टिकल्स मूविंग है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब मैं एक के फ्रेम में चला जाऊंगा, एक को स्टेशनरी कर दूंगा, तो देन इट विल रिड्यूस टू द प्रीवियस केस, राइट। और उसमें बस फर्क क्या होगा कि वी बी ना दिख के उसकी वेलोसिटी वी बी रिलेटिव टू ए दिख रही होगी, राइट। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बन जाएगा, अभी ए के फ्रेम में चला गया, दिस इज योर पार्टिकल ए, ए के फ्रेम में चला गया तो बी मेरे को वी बी ए वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे चलता दिख रहा है, तो अभी मेरी वेलोसिटी सेपरेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी बाय द सेम लॉजिक वी बी ए डॉट ए बी कैप हो जाएगी, बाकी सारी कहानी तो वैसे ही है ना, बस वी बी की जगह मुझे वी बी ए दिख रहा है, यानी वी बी माइनस वी ए दिख रहा है ए के फ्रेम से, समझ में आ रही बात। तो वी बी ए डॉट ए बी कैप, और इसको मैं चाहूँ तो वी ए बी डॉट बी ए कैप भी लिख सकता हूँ, बात समझ आ रही है, इस वेक्टर को उल्टा कर दोगे तो इसका नेगेटिव कर दोगे तो इसका भी नेगेटिव कर दोगे, तो या तो वी बी ए डॉट ए बी कैप लिखो या जी ए बी डॉट बी ए कैप लिखो, ये सेपरेशन वेलोसिटी हो जाएगी, राइट। अब मैं चाहूँ तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, वी बी ए डॉट ए बी कैप को क्या लिख रहा हूँ, वी बी माइनस वी ए डॉट ए बी कैप लिख रहा हूँ, अब इसको डॉट प्रोडक्ट तुम्हें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो ये क्या हो जाएगा वी बी डॉट ए बी कैप माइनस वी ए डॉट ए बी कैप, राइट। अब सोचो ये अगर वी बी इस लाइन ज्वाइनिंग से बीटा एंगल पे है और वी ए जो है मेरा इस लाइन ज्वाइनिंग से अल्फा एंगल पे, तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो दिस विल बी सिंपली वी बी कॉस बीटा, इज इट नॉट, वी बी डॉट ए बी कैप क्या हो जाएगा वी बी कॉस बीटा हो जाएगा, और वी ए डॉट ए बी कैप क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा वी ए डॉट ए बी कैप हो जाएगा तुम्हारा माइनस वी ए कॉस अल्फा, लेकिन माइनस ऑफ माइनस वी ए कॉस अल्फा विल बिकम वी ए कॉस अल्फा, समझ में आया कि नहीं। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन मैं क्यों लेके आया हूँ, ताकि तुम्हें कॉमन सेंस से समझ में आ जाए, इतना बार बार वेक्टर्स में काम ना करना पड़े। ये एक्सप्रेशन है क्या, ये सुपर पोजिशन दिखा रहा है कि अगर खाली बी चल रहा होता तो वी बी कॉस बीटा के हिसाब से डिस्टेंस बढ़ रहा होता, और खाली अगर ए चल रहा होता तो वी ए कॉस अल्फा के हिसाब से डिस्टेंस बढ़ रहा होता, अब दोनों चल रहे हैं तो ये क्या है बेसिकली, ये सुपर पोजिशन ही है, इज इट नॉट,
रेट ऑफ सेपरेशन क्या आ गया, वी बी कॉस बीटा प्लस वी ए कॉस अल्फा, मेकिंग सेंस? ठीक है, तो दिस इज सिंपली अ सुपरपोजिशन ऑफ एफेक्ट्स ऑफ मोशन ऑफ ए एंड बी. इफ बी वर मूविंग अलोन द पार्टिकल्स वुड बी मूविंग अपार्ट एट अ रेट वी बी कॉस बीटा, खाली ये चल रहा था. व्हाइल इफ ए वर मूविंग अलोन पार्टिकल्स वुड बी मूविंग अपार्ट एट अ रेट वी ए कॉस अल्फा. दस नेट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैन बी फाउंड बाय सुपरपोजिंग द इफेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक है, एज एन एग्जाम्पल अगर इसको, इस एग्जाम्पल को हम देखें, तो हेयर ड्यू टू मोशन ऑफ ए अलोन, अगर ए अकेला चल रहा होता तो डिस्टेंस घट रहा होता, इधर अगर ए अकेला चल रहा होता तो वी ए कॉस अल्फा के हिसाब से घट रहा होता क्योंकि इनवर्ड जा रहा है, और बी अकेला चल रहा था तो वी बी कॉस बीटा के हिसाब से बढ़ रहा होता. नेट बढ़ने का रेट अगर मुझे पता करना है तो क्या लिखा मैंने, ड्यू टू मोशन ऑफ ए अलोन द सेपरेशन वुड डिक्रीज एट द रेट ऑफ वी ए कॉस अल्फा क्योंकि इनवर्ड जा रहा है, व्हाइल ड्यू टू द मोशन ऑफ बी अलोन इट वुड इंक्रीज एट द रेट ऑफ वी बी कॉस बीटा. ठीक है, दस नेट सेपरेशन क्या हो जाएगा, वी बी कॉस बीटा माइनस वी ए कॉस अल्फा. ठीक, सुपर पोजिशन यूज कर सकते हो आप, आगे से वेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस से सुपर पोजिशन लगाए. एंड अप्रोच वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अप्रोच वेलोसिटी तो बस उसका नेगेटिव होता है, तो वी ए कॉस अल्फा माइनस वी बी कॉस बीटा हो जाएगा. अप्रोच वेलोसिटी इज नेगेटिव ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी, राइट? ठीक है, सेपरेशन अगर डिक्रीज हो रहा है हाँ, तो अप्रोच वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और सेपरेशन वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर सेपरेशन वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, फिर क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आर मिसनॉमर्स. ये मिसनॉमर्स क्यों है, क्योंकि ये आपस के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज है, और वो कोई स्केलर स्केलर है, वो कोई वेक्टर नहीं है. तो बोल देते हैं भले ही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, प्रॉपर नाम इसका होना चाहिए स्पीड ऑफ सेपरेशन स्पीड ऑफ अप्रोच, ऑल्दो साइंड वैल्यू है तो स्पीड भी पता नहीं कहां तक सही है, पर समझ में आ रहा कि नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन है ये, विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, विच इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, साइन स्केलर है बेसिकली. समझोगे, तो इस तरह से मैं बोलूं तो ये मिसनॉमर्स है, वेलोसिटी वर्ड यूज करना है. ओके, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच आर सिंपली कंपोनेंट्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग. तो जो भी वी बी माइनस वी ए का कॉम्पोनेंट है ना, वी बी ए माइनस डॉट ए बी कैप किया था, तो दैट वॉज वॉट, वी बी ए का रिलेटिव वेलोसिटी था, उसको ए बी कैप कर दिया, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट आ गया अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग. दैट्स इट, क्लियर है? ठीक है, एक मिनट को देख लो, फिर कुछ डिस्कस करना है तो डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्वांटिटेटिवली कैसे हम लोग निकालेंगे. अगर एक पार्टिकल चल रहा है तो एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या है. तो एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कैसे की थी, मान लो इनकी लाइन जॉइनिंग है ए बी की, कोई थोड़ी देर बाद लाइन जॉइनिंग किसी और डायरेक्शन में होगी, तो रेट ऑफ रोटेशन ऑफ दिस लाइन जॉइनिंग इज द एंगुलर वेलोसिटी, राइट? दो पार्टिकल्स चल रहे हैं, उनकी लाइन जॉइनिंग अभी किसी तरह से, थोड़ी देर बाद कहीं और, तो इनमें जो एंगल बन रहा है डीटी टाइम में, जो अगर मान लो डी फाइव एंगल बन गया, चेंज हो गया, तो फिर डी फाइव बाई डी टी हमारी एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी. तो वो कैसे निकाल सकते हैं, अभी वो ध्यान से देखो. तो देखो अभी ध्यान से मान लेते हैं, वापस ए के फ्रेम में ही चला गया, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करना, अभी हमें पता है ए को रेस्ट पे ला ही सकता हूँ, ए के फ्रेम में चला गया तो बी जो है मेरे को वीबीए से चलता दिखेगा. ठीक है, ये डायग्राम बिल्कुल पहले जैसा ही है. ओके, अच्छा यहाँ पे वापस कंपास रख के ये आर्क लगा लिया. अब आर्क की लेंथ कितनी होगी, मान लो ये डिस्टेंस मेरा एल है, तो ये आर्क लेंथ क्या हो जाएगी, एल डी फाइव, राइट? आर्क लेंथ विल बी एल डी फाइव, है ना? और जिसको मैं लिख सकता हूँ वीबीए डीटी साइन थीटा लिख सकता हूँ, जैसे ये कॉस थीटा था तो ये साइन थीटा. तो आर्क लेंथ को दो तरह से एक्सप्रेस कर लिया, एक तो एल डी फाइव लिख दिया और दूसरा वीबीए डीटी साइन थीटा लिख दिया. समझ में आ रही है बात, राइट ट्रायंगल से? अब तो बस डी फाइव एल डी निकालना, बाकी चीजों को उधर लेगा. तो क्या आ गया मेरे पास, एंगुलर वेलोसिटी आ गई वीबीए साइन थीटा बाय एल. ठीक है, वापस इसके अंदर भी हम चाहें तो सुपर पोजिशन लगा सकते हैं. सोचो इसमें क्या करूं, मान लो खाली बी चल रहा है, तो खाली बी के चलने की वजह से देखेंगे क्या एंगुलर वेलोसिटी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और फिर देखें खाली ए के चलने की वजह से क्या एंगुलर वेलोसिटी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और प्रॉपर साइन के साथ दोनों को सुपरपोज कर देंगे. ठीक है, क्या लिखा, दस एंगुलर वेलोसिटी सिंपली द कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय देयर इंस्टेंटेनियस सेपरेशन. तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट ही हो गया ना, वीबीए साइन थीटा क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग. अलोंग द लाइन जॉइनिंग वाला कंपोनेंट पार्टिकल्स को दूर दूर ले जा रहा है, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट पार्टिकल्स की लाइन जॉइनिंग को घुमा रहा है, एक एलोंगेट कर रहा है दूसरा घुमा रहा है. ठीक है, तो घूमने का रेट क्या है हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग, दैट इज योर एंगुलर वेलोसिटी. समझ में आ गई बात. जस्ट एज विद वेलोसिटी सेपरेशन, एंगुलर वेलोसिटी कैन आल्सो बी फाउंड यूजिंग सुपरपोजिशन. फॉर इंस्टेंस इन द एडजेसेंट फिगर, अब इस फिगर को ध्यान से देखो, इसमें सोचो अगर ए मेरा रेस्ट पे होता और खाली बी चल रहा होता तो किस रेट से ये लाइन घूमती, वीबी का कंपोनेंट इस तरफ क्या आता, वीबी साइन बीटा, तो वीबी साइन बीटा बाय ए, और ये क्या होता मेरा एंटी क्लॉकवाइज होता. ठीक है, तो खाली बी के मोशन की वजह से क्या आ रहा है, लाइन जॉइनिंग का घूमने का रेट वीबी साइन बीटा डिवाइड बाय एंटी क्लॉकवाइज. और सोचो अगर बी रेस्ट पे होता और खाली ए चल रहा होता,
ए की वजह से क्या होता है, वी ए साइन अल्फा डिवाइड बाय एल, और किस सेंस में घूमती लाइन, ये क्लॉकवाइज घूमती है। तो एक के मोशन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, दूसरे के मोशन से क्लॉकवाइज घूम रही है। तो अभी क्या है, एक को पॉजिटिव मानोगे तो दूसरे को नेगेटिव मानोगे और सुपरपोज कर दोगे प्रॉपर साइन के साथ। तो क्या लिखा मैंने, क्या लिखा, फॉर इंस्टेंस इन द एडजेसेंट फिगर ड्यू टू द मोशन ऑफ पी अलोन एंगुलर वेलोसिटी इज वी बी साइन बीटा बाय एल एंटी क्लॉकवाइज, व्हाइल ड्यू टू मोशन ऑफ ए अलोन इट इज वी ए साइन अल्फा बाय एल क्लॉकवाइज। तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, वी बी साइन बीटा बाय एल माइनस वी ए साइन अल्फा बाय एल, ये एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया। समझ गए उसको माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखा, और ये क्योंकि क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस साइन के साथ इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल दो। ठीक है, समझे कि नहीं, 3 रेडियंस पर सेकंड क्लॉकवाइज इक्वल टू माइनस 3 एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा बोल सकते हैं। तो बस, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आ गया, वी बी साइन बीटा माइनस वी ए साइन अल्फा डिवाइड बाय एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वैल्यू अगर नेगेटिव आती तो इसका मतलब इसके अपोजिट और क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ में, तो घूमने का रेट भी मैं सुपरपोजिशन से निकाल सकती हूं, दूर जाने का रेट भी सुपरपोजिशन से और घूमने का रेट भी सुपरपोजिशन से हम लोग निकाल सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। एक मिनट को पढ़ लो डेरिवेशन, कुछ डाउट है तो बोल दो। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लो। क्या क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग एज शोन इन द फिगर। तो ए ऐसे भाग रहा है और बी ऐसे भाग रहा है, ठीक है। फाइंड पार्ट ए क्या है, देयर वेलोसिटी अप्रोच, अप्रोच वेलोसिटी निकालना है, और दूसरा क्या, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स अबाउट ईच अदर। ये तुम्हें पता है कि ए का बी के अबाउट देखो या बी का ए के अबाउट देखो, वो सेम ही है, विच इज ऑल्सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लाइन जॉइनिंग द। जल्दी से कंप्लीट कर लो फिर आगे बात करते हैं। हाँ, तो देख लेते हैं सुपरपोजिशन से। देखो इसका तो क्या हो जाएगा, इसका 15 cos 30 अप्रोच है और इसका 5 रूट 2 cos 45 अप्रोच है, तो टोटल अप्रोच ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 रूट 3 सॉरी एक मिनट, सुपरपोजिशन 15 cos 30 प्लस 5 रूट 2 cos 45। हाँ, तो अभी ये cos 30 और cos 45 की वैल्यू डाल दी तो ये इतना आ गया मेरा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट 18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ओमेगा क्या होगा, खाली पी की वजह से देखोगे तो 5 रूट 2 sin 45 डिवाइड बाय 15, और ये क्या होगा, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और खाली ए के मोशन की वजह से क्या होगा, 15 साइन 30 डिवाइड बाय 15, और ये मेरा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज, तो वो वही लिखा हुआ है। तो 5 रूट 2 साइन 45 बाय 15 ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज, और प्लस 15 साइन 30 डिवाइड बाय 15 ये क्लॉकवाइज। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 एंटी क्लॉकवाइज प्लस 1/2 क्लॉकवाइज। अब इसको साइन वैल्यू के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्लॉकवाइज करना है तो 1/2 क्लॉकवाइज एंड माइनस 1/3 क्लॉकवाइज लिख सकते हैं इसको। तो 1/2 माइनस 1/3 1/6 आ गया। तो क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स अबाउट ईच अदर क्या आ गया, 1/6 रेडियंस पर सेकंड, और चाहो तो साथ में प्रॉपर सेंस भी मेंशन कर दो। ये क्या आया मेरा, ये आया क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज लिख सकते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आ गया। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा थिंकिंग और एक्सपैंड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो मेरा ए बी जो है एक इलास्टिक स्ट्रिंग होता, ए बी यानी समझो कोई रबर बैंड है, और वो ऐसे से इसको ले जा रहे होते, तो इसके मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती। तो तुमको पता है जब भी कोई स्ट्रेट सेगमेंट बना हुआ है तो हम बीच के किसी भी पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, पोजिशन वेक्टर के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, तो इसलिए वेलोसिटी में भी सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ए की वेलोसिटी पता है, बी की वेलोसिटी पता है, तो मिड पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, इफ ए बी वर अ यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इट्स मिड पॉइंट और अ जनरल पॉइंट डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो लैम्डा इज टू म्यू। तो क्या लिखेंगे, इफ इट इज अ यूनिफॉर्म इलास्टिक मासलेस स्ट्रिंग डिस्टेंस इन पार्टिकल्स वुड बी स्केल्ड प्रोपोर्शनेटली, सब डिस्टेंस प्रोपोर्शनेटली स्केलिंग है, ठीक है। सो वी कुड यूज सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल्स, सिंस ऑल पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन कोलिनियर, वी कुड ऑल्सो से दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल अबाउट एवरी अदर पार्टिकल वुड बी सेम। मैंने पूरा निकाला नहीं बट समझ में आ रहा है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो तो वी ए प्लस वी बी बाई टू आंसर आ जाएगा तुम्हारा वेक्टोरियली, मिड पॉइंट की अगर वेलोसिटी जो हो तो। जब भी कोलिनियर मेंटेन कर रहे हैं पार्टिकल्स अपने आप को और इलास्टिक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है तो हम ये लगा सकते हैं। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग में पंगे शुरू हो जाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग में वो प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म रबर बैंड है, ग्रेविटी एफिटी का इफेक्ट नहीं है, तो फिर हमको पता है मिड पॉइंट हमेशा ही मिड पॉइंट रहने वाला है, या 1/4 पे जो है वो हमेशा ही 1/4 पे रहने वाला है, इवन दो इंडिविजुअल डिस्टेंसेस स्केल अप होंगे बट वो प्रोपोर्शनेटली स्केल अप होंगे अगर यूनिफॉर्म है हमारा रबर बैंड तो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म रबर बैंड इज अनदर मैटर, ठीक है, क्लियर। अभी अगला क्वेश्चन देखो, तो देखो वेलोसिटी अप्रोच को यूज करके कैसे मैकेनिक्स में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये रॉड है और इस रॉड के अंदर ये कॉलर है, ये कॉलर वर्ड की आदत डाल लो, कॉलर कुछ नहीं होता है, एक रॉड के अंदर कोई स्लीव है जो ऊपर नीचे जा सकते हैं, उसी को कॉलर बोल देती है, ठीक है। जैसे डॉग के गले में कॉलर डाल देते हैं ना जैसे, तो उसी तरह समझो ये डॉग का नेक है और उसके अंदर कॉलर बन गया, तो इसीलिए कॉलर बोलते हैं इसको, समझ गए। तो ये मेरे पास एक रॉड है, उसके अंदर एक कॉलर डाला हुआ है और ये दूसरी रॉड है, इसके अंदर एक कॉलर डाला हुआ है, दोनों कॉलर को हमने धागे से बांधा हुआ है ऐसे, ठीक है।
अब क्या होगा, इस वाले कॉलर को अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये वाला कॉलर लेफ्ट की तरफ आगेगा, लेकिन मुझे पता है इन कॉलर्स के बीच में आपस का डिस्टेंस कांस्टेंट है, राइट। अगर कॉलर्स का आपस का डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर मैं देखूंगा बी की ए की तरफ, वेलोसिटी अप्रोच शुड बी जीरो। इफ द डिस्टेंस इज कांस्टेंट दैट मींस व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज जीरो, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी अप्रोच जीरो होना चाहिए। इसका यूज करके क्या करोगे, वीबी का कॉम्पोनेंट इसके अलॉन्ग कुछ होगा और वही वीए का कॉम्पोनेंट होना चाहिए, इज इट नॉट, क्योंकि मान लो इसकी वेलोसिटी मान लो लेट अस से स्मॉल वी है, तो खाली बी की वजह से क्या होगा, स्मॉल वी कॉस थीटा से घट रहा होगा ये डिस्टेंस, और खाली यू की वजह से क्या होगा, स्मॉल यू साइन थीटा से बढ़ रहा होगा ये डिस्टेंस। तो बढ़ने का रेट इक्वल टू घटने का रेट होना चाहिए। इससे क्या निकला हमको मॉरल ऑफ द स्टोरी, की जब भी दो पार्टिकल्स टॉट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उनकी वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द स्ट्रिंग बराबर होना जरूरी है। अगर स्ट्रिंग मेरी टाइट है और इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल टॉट स्ट्रिंग से जब भी दो पार्टिकल्स कनेक्टेड है तो उनके वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग बराबर होने चाहिए। क्यों, अगर बराबर नहीं हुए तो या तो स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी या फिर फूट जाएगी, समझ गए कि नहीं, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स हैज टू बी कांस्टेंट। तो अब तो बचा ही कुछ नहीं, एक सेकंड में इसको खत्म कर लो। क्वेश्चन क्या, इन द एडिशन फिगर टू कॉलर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड ऑन एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, नाउ ए इज मेड टू स्लाइड अपवर्ड्स एट द कांस्टेंट स्पीड यू, फाइंड पार्ट वेलोसिटी ऑफ बी निकालना, एक पार्ट ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए अबाउट बी निकालना, इसका ओमेगा भी निकालना। तो समझ गए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देखना पड़ेगा तुमको, ये समझ में आ रहा ना, ये लाइन जॉइनिंग जो थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे होगी तो एंटी क्लॉक वाइज कुछ ओमेगा आएगी, इसके रादर क्लॉक वाइज आएगी इसकी कुछ ओमेगा, ठीक है। और फिर क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी का एक्सेलरेशन भी पूछा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना कि एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, इसको यूनिफॉर्म स्पीड से लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो बी का एक्सेलरेशन क्या है, ये हमें निकालना है, एक। और फिर क्या पूछा है, और एक्सेलरेशन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के मिड पॉइंट का भी एक्सेलरेशन पूछा हुआ, ठीक है। समझ गए क्या क्या पार्ट्स हैं, अब बाकी एक्सेलरेशन वाले पार्ट में थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाओ, ठीक है, ट्राई करो इसको। हाँ, तो अभी सॉल्यूशन में इसका डिस्कस कर रहा हूँ, तो देखो सबसे पहला पार्ट तो सिंपल ही है, इसका मान लो कुछ स्पीड लेट अस से v, तो v cos थीटा शुड बी इक्वल टू u sin थीटा, तभी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो पाएगी, राइट। जिस रेट से ये पास आ रहा होगा इसके a के, उसी रेट से जो है a b से दूर जाना चाहिए, नहीं तो स्ट्रिंग टूट जाएगा मेरा, या तो टूट जाएगा या फिर टूट जाएगा, नहीं तो ढीला पड़ जाएगा, ठीक है। तो बस, तो फिर इक्वेट कर दिया तो क्या हो गया, या फिर सेपरेशन के हिसाब से देख लिया, तो v cos थीटा इसका अप्रोच वेलोसिटी माइनस u sin थीटा की वजह से सेपरेशन, क्योंकि ये थीटा तो 90 माइनस थीटा ही होगा, तो इसलिए u sin थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो बस v इज इक्वल टू u tan थीटा आ गया, सिंपल, ठीक है। अब ओमेगा निकालनी है, तो ओमेगा के लिए क्या करना है तुम्हें, तो सोचो खाली इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से v sin थीटा डिवाइडेड बाय l होगा हमारा, कैसा ये आएगा मेरा क्लॉकवाइज आएगा, v sin थीटा बाय l क्लॉकवाइज। और खाली उसकी वजह से देखोगे तो उसका ये कंपोनेंट आएगा u cos थीटा इस तरफ से, है ना, ये एंगल दोबारा थीटा का, तो u cos थीटा बाय l वो भी क्लॉकवाइज, तो दोनों की वजह से क्लॉकवाइज आ रहा है, बस सुपरपोज कर दिया u cos थीटा बाय l क्लॉकवाइज एंड v sin थीटा बाय l क्लॉकवाइज, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो ये क्या आ गया मेरे पास u, अब वैल्यू डाल दी हमने v तो निकाला था ना, v वाज u tan थीटा, राइट, तो उसकी वैल्यू भी डाल दी इसके अंदर, तो ये सिंपलीफाई करके क्या आ गया, u बाय l cos थीटा और sin थीटा tan थीटा, तो sin थीटा मेरा tan थीटा हो जाएगा, sin थीटा upon cos थीटा, तो cos square थीटा plus sin square थीटा क्या बन जाएगा मेरा, वन हो जाएगा, और नीचे मेरे पास एक cos थीटा रहेगा तो sec थीटा में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब क्या आ गया, एंगुलर वेलोसिटी इज u by l sec थीटा, ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई हमारी, ठीक। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर मुझे पता है इसका माइनस आई कैप में, राइट, इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या, माइनस आई कैप में, तो माइनस आई कैप लगा के उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या लिखा मैंने, एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन ऑफ b इज dvb by dt, तो d by dt ऑफ माइनस u tan थीटा आई कैप, राइट। अच्छा, u तो मेरा कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट स्पीड से उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, अगर वो भी वेरी कर रहा था तो उसका भी डेरिवेटिव लेते प्रोडक्ट रूल से, तो बस, तो ये क्या आ गया, माइनस u sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाय dt आई कैप आ गया। अब d थीटा बाय dt मैंने यहाँ पे निकाल रखा, उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो ये एक्सेलरेशन आ गया मेरा, माइनस u स्क्वायर बाय l sec क्यूब थीटा आई कैप, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, ठीक है। और नहीं तो एक काम और कर सकते थे, ऑल्दो वो लंबा पड़ता, तुम लोगों को मैंने 2D में पोलर कोऑर्डिनेट्स में मोशन बताया हुआ, राइट, अगर तुम ए के फ्रेम से देखोगे तो ए के फ्रेम से इसका कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिखेगा, आर डबल डॉट तो जीरो है, ओमेगा स्क्वायर एल इस तरफ दिखेगा सेंट्रीपिटल, राइट, आर डबल डॉट तो जीरो दिखेगा ना, याद है सेंट्रीपिटल आर डबल डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर था, राइट, तो सेंट्रीपिटल तो जीरो दिखेगा, उसके अलावा टेंजेंशियल दिखेगा एल अल्फा, ये भी मैंने बताया हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, आर अल्फा आ जाता है ना, ठीक है, क्योंकि आर डॉट तो जीरो ही है ना, मतलब वी रोट था रोटेटिंग फ्रेम में, उसकी वेलोसिटी तो जीरो है, कांस्टेंट रेडियस में चल रहा है, तो एक आर अल्फा, तो एल अल्फा में अल्फा को एक बार जो तुमने ओमेगा निकाली तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, तो सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टैन थीटा इनटू डी थीटा बाय डीटी, और डी थीटा बाय डीटी में दोबारा से इसी को दोबारा से पुट कर दोगे, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हो, उससे क्या होगा तुम्हारा रेडियल कंपोनेंट अलग से मिलेगा,
टेंजेंशियल कंपोनेंट अलग से मिलेगा, फिर रेडियल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर का अंडर रूट करोगे, ठीक है। तो बुल वर्क ज्यादा उसमें, बट उससे भी तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, वो सेम आंसर ही देना चाहिए, ठीक है, सेम आंसर आएगा उस तरीके से, ऑल्दो दैट विल बी लॉन्गर देन यूजिंग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब ये एक्सपीरियंस की बात है, तुमको कॉल लेनी पड़ेगी कौन सा मेथड यूज करें कि हमारा काम जल्दी हो जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है लेकिन उसके बावजूद वो लंबा फॉर्मूला लंबा मेथड हो जाए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से ईजी है और उस फॉर्मूले से लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद इसी क्वेश्चन में अगला पॉइंट है, क्या अगला पार्ट, व्हाट इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखो यहाँ पे अगर इसका मिड पॉइंट देखो तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये l by 2 डिस्टेंस है तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट तो l by 2 cos theta हो जाएगा, ये भी l by 2 है तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, l by 2 sin theta। अब cos square theta plus sin square theta 1 है, राइट। तो x कोऑर्डिनेट l by 2 cos theta दिख रहा है, समझ में आ रही बात कि नहीं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ही कंप्लीट कर दो उससे और अच्छे से दिख जाएगा, तो ये भी l by 2 होगा, डायगनल तो बाइसेक्ट ही करते हैं, ये हमेशा डायगनल के ऊपर ही रहेगा, डायगनल के बाइसेक्ट, तो ये l by 2 cos theta और ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, दोनों थीटा ही रहेंगे, तो l by 2 cos theta हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट और l by 2 sin theta वर्टिकल कोऑर्डिनेट। अब cos square theta plus sin square theta equal to 1 लगा देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, x square plus y square equal to l square by 4 बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो उसका लोकस सर्कल आ जाएगा, और ये इतना कॉम्प्लिकेट करने की जगह डायरेक्ट ज्योमेट्री से भी दिख रहा है, अगर तुमने रेक्टेंगल कंप्लीट कर ही दिया तो तुम्हें पता है ये जो मिड पॉइंट है इससे हमेशा l by 2 पे रहेगा, रेक्टेंगल की डायमेंशन भले ही चेंज होती रहेगी लेकिन ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट रेडियस सर्कल में जा रहा होगा, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं। तो लोकस उसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट सर्कल में जा रहा होगा। इसी तरह से अगर मिड पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट का अगर लोकस निकालना चाहो तो ये तुम लोग प्रूव कर सकते हो, उसमें कुछ तो साइन थीटा के प्रोपोर्शन आएगा, कुछ कॉस थीटा के प्रोपोर्शन आएगा एक कोऑर्डिनेट, ठीक है, लेकिन क्या है वो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट बराबर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारा अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें भी क्या करोगे, साइन थीटा को एक्सप्रेस कर लो, बाकी चीजों में कॉस थीटा को एक्सप्रेस कर लो, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लगाओगे तो हमारे पास इस तरह की क्वेश्चन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, विच इज वॉट, विच इज इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो बाकी पार्टिकल्स को देखोगे तो वो इलिप्टिकल मोशन फॉलो कर देंगे, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये तो ठीक है, ये लिखा है कि और अदर पॉइंट्स के लिए यू कैन वेरीफाई दैट लोकस विल बी एन इलिप्स, बाद में ट्राई करके देख लें। Whenever two objects are connected to a taut inextensible string, components of their velocity vectors along the string are same because velocity approach must be zero. तो इसको ऐसा स्टैंडर्ड फैक्ट ही ध्यान रखना है। दो पार्टिकल्स टाइट स्ट्रिंग पे हैं तो दोनों का स्ट्रिंग के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट बराबर होगा, परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट अलग अलग हो सकता है लेकिन स्ट्रिंग के अलॉन्ग वाला कॉम्पोनेंट तो हमेशा बराबर ही होगा, ठीक है, नहीं तो स्ट्रिंग या तो टूट जाएगी या ढीली पड़ जाएगी। टॉट स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, यानी टाइट है स्ट्रिंग और इनएक्सटेंसिबल तो वैसे डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता, ठीक। इसके बाद देखो ये क्लासिक क्वेश्चन है, ये दुनिया के हर कोचिंग मॉड्यूल में तुम्हें मिलेगा, आईआईटीजेई का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एचसी वर्मा सर की बुक में भी है ये, तो अभी समझ लो। और इससे मैं लेकिन कई चीजें निकालूंगा, इससे मैं बहुत सारी और चीजें निकालूंगा, यानी अदर देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम वी विल ऑल्सो डू इट्स वेरिएंट्स, इससे कुछ और चीजें मैं कैलकुलेट करवाऊंगा जो कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से हटके, ठीक है, तो लेकिन पहले स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तीन चींटियां हैं मेरे पास, ठीक है, ए बी सी, ये तीन चींटियां हैं और ये कैसे चल रही हैं, ए जो है हमेशा बी की तरफ भाग रही है, ठीक है, तो शुरू में तो ए को इस लाइन के अलोंग भागना पड़ेगा लेकिन बी थोड़ी देर बाद आगे चला जाएगा, बी हमेशा सी की तरफ भाग रहा है, सी हमेशा ए की तरफ भाग रहा है, तो ए थोड़ी सी देर में जैसे ही आगे पहुंचेगा तो बी थोड़ा सा आगे आ चुका होगा तो ए को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ऑल्दो ये डिस्क्रीट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, ये फेनोमेनन कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, बस दिखाने के लिए मेरे को कुछ फाइनाइट लाइन ड्रॉ करनी पड़ रही है, लेकिन लगातार ये दिख रहा है ना, इसको अपनी डायरेक्शन घुमानी पड़ेगी, इसको हमेशा बी की तरफ मुंह कर, समझ में आ रहा है, और सिमेट्री है, ए बी की तरफ भाग रहा है, बी सी की तरफ भाग रहा है, सी हमेशा ए की तरफ भाग रहा है, लेकिन क्योंकि ये पार्टिकल्स अपने आप ही आगे आगे जा रहे हैं इसलिए क्या है, ये तो समझ में आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहेगा इनका हमेशा, बिकॉज देयर इज परफेक्ट सिमेट्री इन द प्रॉब्लम, लेकिन क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल घूमता हुआ दिखेगा, तो क्या दिख रहा है, टी इक्वल टू जीरो पे ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ा सा टाइम बीत गया तो उसके बाद ऐसे करके ऐसे कुछ तिरछा था, समझ गए, ऐसे ऐसे टेढ़ा होता जा रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये टाइम लैप्स डायग्राम टाइप का मैंने दिखाया, समझ गए, समझ में आ रहा ना क्या, और ऐसे घूमते 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 फाइनली तीनों चींटियां इसके सेंटर पे जाके मिल जाएंगी, ठीक है, और हम यही जानना चाह रहे हैं कि कितने टाइम बाद ये मिलेंगी। तो अभी इसको करने के दो अप्रोचेस मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, दोनों अप्रोचेस सुनना। तो एक चीज देखो, जब भी चींटियां चल रही हैं तो मिलने वाली तो ओ के ऊपर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चींटी का ओ के प्रति अप्रोच वेलोसिटी निकाल लूं, रेट ऑफ डिक्रीज इन द डिस्टेंस ओ सी, ये निकाल सकता हूं मैं। अगर ये चींटी यू स्पीड से चल रही है, ओ तो स्टेशनरी पॉइंट है,
इसका मतलब चींटी का रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस क्या, ये एंगल 30 डिग्री है, तो यू कॉस 30 मेरा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स हो जाएगा, बोलो। और ये समझ में आ रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है तो ये यू कॉस 30 ही रहने वाला है हमेशा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, एंगल्स एंगल्स चेंज तो होने वाले हैं टाइम के साथ। थोड़ी देर बाद सी मेरा मान लो ये ट्रायंगल घूम के ऐसा करके ऐसा बन गया, क्या फर्क पड़ता है, सी मान लो यहाँ कहीं पहुंच गया तो भी ओ की तरफ अप्रोच वेलोसिटी तो यू कॉस 30 रहने वाली है, तो ये बहुत अच्छी बात है सिमेट्री की वजह से। आई नो दैट अप्रोच वेलोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, द रेट एट विच डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ओ इज डिक्रीजिंग डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम बिकॉज ऑफ द परफेक्ट सिमेट्री इन द प्रॉब्लम, राइट। तो अभी अभी तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस, समझ में आई बात की नहीं। नॉर्मली जब स्ट्रेट लाइन में चीजें चल रही है तो क्या करते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हो टाइम के लिए, यहाँ पे क्या करोगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एल है तो ये टोटल एल कॉस 30 है तो ये उसका 2/3 होगा, मीडियन 1:2 के रेशियो में डिवाइड करके, तो 2/3 ऑफ एल कॉस 30 डिवाइडेड बाई यू कॉस 30, इसका अप्रोच वेलोसिटी दिख रहा है ना, यू कॉस 30 हो जाएगा। तो एक ये तरीका हो जाएगा टाइम निकालने का, समझ में आया कि नहीं, फर्स्ट मेथड समझ में आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट तुम लोग खुद ही करोगे, मैं बस थोड़ा सा प्रीफेस कर दे रहा हूँ, चीजें खुद से करोगे तो मतलब थोड़ा अच्छे से बैठ जाएगा दिमाग में। फर्स्ट मेथड इज क्लियर हाउ टू फाइंड द टाइम, देन सेकेंड मेथड क्या होगा, तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये पार्टिकल्स आपस में भी तो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बी और सी की आपस की अप्रोच वेलोसिटी देख सकता हूँ। तो सोचो बी और सी की आपस की अप्रोच वेलोसिटी क्या होगी, खाली बी के चलने की वजह से तो यू से हमारा डिस्टेंस कम हो रहा होगा अगर सिर्फ बी चल रहा होता तो, और सिर्फ अगर सी चल रहा होता तो यू कॉस 60 के हिसाब से डिस्टेंस कम हो रहा होता, राइट। तो इसकी वजह से यू और इसकी वजह से सी कॉस यू कॉस 60 यानी कि यू बाई टू, तो यानी टोटल अप्रोच वेलोसिटी इनकी आपस में कितनी हो गई, 3u/2 हो गई। अप्रोच वेलोसिटी का मतलब क्या, रेट ऑफ डिग्रीज ऑफ डिस्टेंस बी सी, तो रेट ऑफ डिग्रीज ऑफ डिस्टेंस जो है ये भी यहाँ पर भी टाइम के साथ वेरी नहीं करने वाला क्योंकि ट्राइंगल तो हमेशा ही बना रहेगा ना इक्विलेटरल, सो रेट ऑफ डिग्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, वो कितना आ रहा है, यू प्लस यू कॉस 60 आ रहा है, राइट। अब वापस टाइम ऑफ मीटिंग क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस, समझ में आई बात के नहीं। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मैं पढ़ देता हूँ पहले क्वेश्चन, उसके बाद ट्राई करो। क्या पूछा, थ्री पार्टिकल्स ए बी सी मूव सच दैट ए ऑलवेज हेड्स फॉर बी, बी ऑलवेज हेड्स फॉर सी एंड सी ऑलवेज हेड्स फॉर ए, ईच मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड एज शोन, फाइंड पार्टेड टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल्स टू मीट। तो टाइम टेकन दो मेथड से निकालने वाले हो तुम लोग। और फिर क्या पूछे, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। अब यहाँ पे देखो अच्छी बात है, इनकी स्पीड हमेशा कॉन्स्टेंट है, अगर कोई चीज कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है तो टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम सिंपली। तो ये वैसे तो ये टेढ़ा सा ये अजीब सा कर्व ले रहा है, इस कर्व की लेंथ लेकिन निकालना आसान है, स्पीड इनटू टाइम से हमारे पास सीधे लेंथ ऑफ द कर्व निकल जाएगी, ठीक है। अब इसको कंप्लीट कर लो फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो मैंने बताया था वही मैं अभी डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, वही लिखा है, पढ़ देता हूँ सॉल्यूशन क्या लिखा, ड्यू टू सिमेट्री ऑल द थ्री पार्टिकल्स विल ऑलवेज मेंटेन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉन्फिगरेशन, ठीक है। Thus, velocity of approach between the particles remains constant. यहीं पे isosceles होता तो बहुत पंगे हो जाते, पता नहीं सेम टाइम पे तीनों मिलते भी कि दो पहले मिल जाते तीसरा बाद में मिलता, बहुत गंदी प्रॉब्लम हो जाती है इन जनरल। या आर्बिट्री स्केलिन ट्राइंगल के साथ करना कोई मुझे नहीं लगता कोई आसान काम होगा इसमें, बट सिमेट्री मेंटेन्ड है इसीलिए प्रॉब्लम पॉपुलर है, नहीं तो फिर वो कंप्यूटर से सॉल्व करने वाली हो जाती शायद, ठीक है। तो क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन द पार्टिकल्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम बिकॉज ऑफ सिमेट्री। नाउ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से बी टुवर्ड्स सी, That will be u plus u cos 60 यानी 3u/2. This is the rate of decrease of separation. तो अब time of meeting क्या हो जाएगा? Separation upon rate of decrease of separation. वो क्या आ गया? L upon 3u/2 यानी 2l/3u. ये आ गया मेरा time, ठीक है? Second method क्या है? All particles meet at the center of the triangle, ठीक है? Which is stationary. Now approach velocity towards the center, say of b towards o. वो क्या हो गया? B की o की तरफ हो गई u cos 30, ठीक है? वो u cos 30 है, which is u√3/2. अब time क्या हो जाएगा? ओपी डिस्टेंस है मेरा, वो क्या है, एल कॉस 30 का 2/3, तो वही लिखा है ओपी को 2/3 ऑफ एल कॉस 30 डिवाइडेड बाय यू √3/2 जो कि अप्रोच वेलोसिटी, इससे भी कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 2l/3u, ओके। अब क्योंकि स्पीड कांस्टेंट तो लेंथ ऑफ द पाथ सिंपली क्या आ गया, यू इनटू क्या टोटल टाइम, दैट इज सिंपली 2l/3, तो ये लेंथ ऑफ द पाथ हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या अपन। अच्छा अभी इसी प्रॉब्लम के अंदर हम लोग कुछ रेट ऑफ रोटेशन वगैरह की बातें करते हैं कि घूमने का क्या रेट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा, फॉर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम पार्ट ए, व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ रोटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर घूम रहे हैं ना अभी, इधर है थोड़ी देर बाद ऐसे घूमते जा रहा है वेलोसिटी वेक्टर लगातार, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर के घूमने का रेट होगा। और क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर मेरा लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग डायरेक्टेड है, इसका मतलब क्या, इनडायरेक्टली क्या पूछा है, लाइन जॉइनिंग का घूमने का रेट पूछा है, इज इट। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर मेरा लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग डायरेक्टेड है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर का घूमने का रेट इज सेम एज लाइन जॉइनिंग का घूमने का रेट, इज इट नॉट। तो सिंपली वो तो अभी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ही कन्वर्ट हो गया, राइट।
तो एक तो ये पूछा है इनिशियल रेट ऑफ रोटेशनल ऑसिलेटर, फिर क्या पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट द इनिशियल मोमेंट, तो इन पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन पूछा। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने जब 2D मोशन पढ़ा रहा था तो उसमें लास्ट में पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब मैं बात कर रहा था तो मैंने ये बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है डी स्पीड बाई डी टी। इनफैक्ट पोलर कोऑर्डिनेट से भी पहले जब 2D स्टार्ट किया था वहीं पे मैंने बताया था कि टैंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है डी स्पीड बाई डी टी, ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है वी इंटू ओमेगा, ये याद करो नहीं तो नोट्स को रेफर कर सकते हो। वेलोसिटी इंटू ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द मतलब उस इंस्टेंट में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसके अबाउट घूमने का कुछ रेट होगा, ठीक है, या फिर हम चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं एक्सेलरेशन, डायरेक्टली भी मैं निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है, तो जो भी मेथड तुमको सही लगे उससे ट्राई करो। व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट द इनिशियल मोमेंट, या तो बेसिक से करो, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इधर है, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी वेक्टर इधर है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, उससे भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, राइट। वेलोसिटी वेक्टर का चेंज वही है ना, अभी इधर है मान लो डी फाई एंगल से ये घूम गया तो वेलोसिटी वेक्टर अभी इधर है, अभी इधर है तो वी डी फाई तुम्हारा चेंज हो जाएगा, तो क्योंकि कॉर्ड लेंथ और आर्क लेंथ बराबर है, तो वी डी फाई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन यानी कोई आ जाएगा वी डी फाई इंटू ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि ठीक है ट्राई करो अभी इसको। और फिर क्या पूछा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पूछा है पाथ का इनिशियल मोमेंट पे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे मिलता है तुम्हें पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है तुम्हारा दैट इज स्पीड स्क्वायर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। अब इसके अंदर तो पाथ का जो भी एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, यानी जो भी एक्सेलरेशन मिल रहा है वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, राइट। तो स्पीड स्क्वायर डिवाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कर देंगे तो मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ये सारी बात हमने कब की थी, 2D के इनिशियल लेक्चर में की थी, इवन बिफोर वी स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन, जब जनरल 2D मोशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब ये सारी बात मैंने पढ़ाई थी, तुम चाहो तो उसको रिव्यू कर सकते हो, वहां से ये सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, ठीक ठीक है। इसको अभी फिर जल्दी से ट्राई करो उसके बाद डिस्कस करते हैं अभी। हाँ तो क्या लिखा मैंने, सिंस द वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल्स, तो रेट ऑफ रोटेशन जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर का रेट ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग, राइट। तो यही लिखा है, इट्स रेट ऑफ रोटेशन मस्ट बी सेम एज द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी, विच इज नथिंग बट यू कॉस 30 बाय, है ना, यू कॉस 30 क्यों, क्योंकि ये देखो ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, तो इसकी वजह से यू कॉस 30 डिवाइड बाय एल ओमेगा आ गया, और इसके मोशन की वजह से तो कुछ ओमेगा है ही नहीं, तो ये मेरा रेट ऑफ रोटेशन आ गया लाइन जॉइनिंग का, ठीक है, ये सॉल्व करके यू रूट 3/12 आ गया, ये मेरा रेट ऑफ रोटेशन आ गया लाइन जॉइनिंग का, ठीक है, और ये क्या है, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, क्योंकि समझ गए लाइन जो ऐसे ऐसे करके घूमती जा रही है, राइट, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं पार्टिकल्स, ओके, तो इतना क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब 2D मोशन से याद करो, 2D मोशन में हमने क्या प्रूव किया था, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है यानी पाथ की टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है इसलिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, विच इज जीरो सिंस द स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। ऑल्सो रिकॉल दैट नॉर्मल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो वी डी थीटा बाई डी टी एन क्या होता है, यानी वी तो स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और डी थीटा बाई डी टी क्या रेट ऑफ रोटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, और एन कैप क्या है वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, पाथ की परपेंडिकुलर बोलो, क्योंकि पाथ की टैंजेंट तो वेलोसिटी के अलोंग ही होती है, तो पाथ की परपेंडिकुलर तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो ये मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाता है वी डी थीटा बाई डी टी एन कैप, ठीक है। ये 2D के लेक्चर नोट्स में शुरू के 3-4-5 पेज में ये सारी थियरी तुम लोगों को मिलेगी जब स्टार्ट किया था 2D, तो यू कैन रेफर टू दोज नोट्स इफ यू वांट अ रिफ्रेशर इन दिस, ठीक है। तो दस फॉर अवर केस रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यू तो वेलोसिटी की जगह तो यू डाल दिया और डी थीटा बाई डी टी मैंने यह निकाल लिया, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी इंटू रेट ऑफ रोटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये सॉल्व करके क्या आ गया, यू स्क्वायर रूट 3/12 ये एन क्या आ गया, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया, और क्योंकि टेंजेंशियल जीरो है यानी यही एक्सेलरेशन का सेंट्रीपिटल है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, स्पीड स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये भी मैंने 2D के लेक्चर नोट्स में बताया हुआ, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, बल्कि जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैंने कराया था लास्ट में भी ये चीज बताई हुई है मैंने, जब लास्ट में पोलर कोऑर्डिनेट्स में किया था जनरल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स देखा था, तो वहां पर भी मैंने बोला था अगर रेडियस कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, सिंपली वी स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है, राइट। तो कैसे भी सोच लो, तो एक्सेलरेशन कितना है रूट 3/2 यू स्क्वायर बाय एल, और इसको चाहो तो एन कैप लगा लो क्योंकि यहाँ वेक्टर है, तो जस्ट पुट एन एन कैप हियर, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द पाथ वो यूनिट वेक्टर, ठीक है। नाउ रिकॉल दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सिंपली वी स्क्वायर डिवाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वी स्क्वायर की जगह तो यू स्क्वायर आ जाएगा, यू स्पीड से चल रहा है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है ये अभी अभी निकाला हमने, ये सारा ही सेंट्रीपिटल है, टेंजेंशियल तो जीरो ही है, तो ये क्या आ गया u square upon root 3/2 u square by l,
तो ये क्या आ गया 2L/√3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अभी तुम लोगों को एक आसान तरीका भी बताता हूं। मेरे को मालूम है कि तुम में से कई लोग फॉर्मूले भूल गए होंगे, बट कोई टेंशन नहीं है। फिर भी यहाँ पे एक और तरीके से एक्सीलरेशन निकाल सकते थे। कैसे? बिल्कुल बेसिक से सोचो। वेलोसिटी वेक्टर अभी ऐसे है, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, यही हो रहा नहीं। अभी यू स्पीड इधर है, अभी थोड़ी देर बाद यू स्पीड इस डायरेक्शन में, और इन दोनों में कुछ डी थीटा एंगल हो गया, राइट। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यानी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ये आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आई बात के लिए? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनके बीच में डी थीटा एंगल, तो ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आया, राइट। अब ये देखो, छोटे से एंगल के लिए तो कॉर्ड लेंथ और आर्क लेंथ बराबर होती है। तो अगर ये मेरा यू है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? यू डी थीटा हो जाएगा। बोलो, तो डी टी टाइम में चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया? यू डी थीटा हो गया, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। बोलो, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर यू डी थीटा हो गया डी टी टाइम में। और एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो वो क्या हो जाएगा? यू डी थीटा बाई डी टी हो गया, खत्म। समझ में आया कि नहीं? यू डी थीटा बाई डी टी। तो यही चीज मैंने डायरेक्टली लिख दी थी, वी इंटू ओमेगा लिख दिया था, ओमेगा को मैंने रेट ऑफ रोटेशन बोला था, तो वही चीज यहां से भी आ गई, स्पीड इंटू रेट ऑफ रोटेशन आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर वो फॉर्मूला नहीं आता है तो बिल्कुल बेसिक से भी समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू रेट ऑफ रोटेशन। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये कुछ है ही नहीं। ये भी दिख रहा है कि टेंजेंशियल में क्यों जीरो है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, यू स्पीड अभी यहाँ पे, थोड़ी देर बाद यू स्पीड यहाँ पे है, ये एंगल डी थीटा कितना छोटा है, जितना छोटा इमेजिन कर सकते हो। इसका मतलब क्या, ये एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा। इसका जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है, इज इट नॉट? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मतलब पाथ के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये जो भी एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल ही है। सेंट्रीपिटल मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द पाथ, ठीक है ना? क्योंकि क्यों बोलते हैं सेंट्रीपिटल, क्योंकि कोई भी पाथ आर्बिट्ररी, अगर कोई चीज चल रही है तो यहाँ पे अगर इसका इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, अगले पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। तो ये एक्सेलरेशन जो पाथ के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन ना, और लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, लोकल सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ है, इसलिए सेंट्रीपिटल बोल रहे हैं कि पाथ का सेंटर का मतलब क्या है, वहां पे कुछ लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसकी तरफ है ये डायरेक्टेड। सो आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू एवरीबॉडी। ठीक है, नहीं भी फॉर्मूला पता है तो बेसिक से भी हम कर सकते हैं इसको। सो आई होप दिस इज सेटल्ड फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, तो रेडियस कर्वेचर आ गया। अच्छा, इसके बाद फिर क्या पूछा? थिंक व्हाट आर ओमेगा ए एंड आर एट अ जनरल टाइम। क्या पूछा है? इसी लाइन का रेट ऑफ रोटेशन एक जनरल टाइम पे कितना होगा, समझ गए क्वेश्चन क्या है? तो जनरल टाइम पे अगर ओमेगा निकालना है तो देखो, इनिशियल मोमेंट पे जहां पे एल आया था, तो जनरल टाइम पे क्या होगा, एल की जगह कुछ एल डैश हो जाएगा, राइट। एल को एल डैश से मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, और एल डैश क्या होगा? इनिशियल सेपरेशन माइनस चेंज इन सेपरेशन, राइट। इनिशियल सेपरेशन माइनस जितना कम हो गया, तो वो वेलोसिटी अप्रोच इनटू टाइम कम हो जाएगा, तो एल डैश क्या हो जाएगा? एल डैश विल बी एल माइनस वेलोसिटी अप्रोच इनटू टाइम, राइट। और उससे मेरे पास ओमेगा निकल के आ जाएगा। तो सारे एक्सप्रेशन में जहां जहां एल आ रहा है, उस एल को एल एज अ फंक्शन ऑफ टी से रिप्लेस कर देंगे। एल एज अ फंक्शन ऑफ टी कैसे निकलेगा, समझ में आया कि नहीं? इनिशियल एल पता है और उसके घटने का रेट पता है। जनरल टाइम पे क्या हो जाएगा? इनिशियल एल माइनस घटने का रेट इनटू टाइम, उसको रिप्लेस कर दोगे तो मेरे पास जनरल टाइम पे आ जाएगा। समझ में आ रही बात के लिए? तो ओमेगा ए आर ये तीनों चीजें जनरल टाइम पे, बस एल एज अ फंक्शन ऑफ टी डाल दो तो वो आ जाएगा। तो जल्दी से कर लो, उसको भी खत्म हो जाएगा। तो सिंपल ही है, क्या लिखा सॉल्यूशन की, जस्ट नीड टू रिप्लेस एल बाय द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन। इनिशियल सेपरेशन एल है, इंस्टेंटेनियस सेपरेशन क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो 3u/2 है, तो जनरल टाइम पे सेपरेशन क्या हो जाएगा? एल माइनस 3ut/2, जैसे कि 3u/2 इनटू टी। तो बस अब क्या है, जितने भी एक्सप्रेशन आए उसमें एल की जगह एल माइनस 3ut/2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। एक मिनट को पढ़ना है तो पढ़ लो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ प्रॉब्लम। ठीक है, अभी उसी क्वेश्चन को हमने पकड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अभी? अब मेरे को इक्वेशन निकालनी है इसकी, पाथ की पोलर इक्वेशन निकालनी है। पोलर इक्वेशन क्या होता है? रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, वो हमारी पोलर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इन द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम लेट डिस्टेंस ओ ए, यहाँ ओ से ए को जोड़ने वाली लाइन का कुछ तो डिस्टेंस होगा ना जनरल टाइम पे, तो उसको मान लेते हैं वो स्मॉल आर। ठीक है, एंड लेट थीटा बी द एंगल, ये जो एंगल है यानी ये किसी टाइम पे तो यहाँ पे कहीं पहुंचा होगा, ऐसा ट्राइंगल जब बन रहा होगा, तो थीटा क्या, ये जिस एंगल से घूम गई है लाइन। ठीक है, तो क्या बोला? थीटा बी द एंगल थ्रू विच लाइन ओ एज रोटेटेड। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा क्या होगा। किसी एक जनरल थीटा पे कुछ तो आर होगा, वो पोलर इक्वेशन है। तो इसको कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो निकालना बड़ा आसान है। इनिशियल वैल्यू ऑफ आर पता है तुमको, उसमें से वेलोसिटी अप्रोच इनटू टाइम घटा दोगे तो जनरल टाइम पे आर निकल जाएगा, तो आर एज अ फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा। अच्छा, रेट ऑफ रोटेशन तुमको एज अ फंक्शन ऑफ जनरल आर के टर्म्स में तुम्हें पता है,
रेट ऑफ रोटेशन ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ आर पता है कि नहीं, तो उसको अगर इंटीग्रेट करोगे, आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है और ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ आर पता है, तो यानी ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो मैं थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। समझ में आ गई बात के लिए? पहले आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया और बाद में आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यूज करते हुए मुझे थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया। उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों में से टाइम को एलिमिनेट कर दो तो आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगा हमारा। ठीक है, करोगे ट्राई अपने आप, करो ट्राई करो इसकी, फिर पोलर इक्वेशन निकालो, लॉगरिथमिक स्पाइरल आता है, करके देखो ट्राई। हाँ, तो इट टर्न्स आउट कि उतना भी करने की जरूरत नहीं, आर एज अ फंक्शन ऑफ टी और थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टी भी निकालने की जरूरत नहीं, हम चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्या करो, टी को सीधे एलिमिनेट कर दो, तो ओमेगा मेरा क्या है, ओमेगा मेरा डी थीटा बाई डी टी, अगर यहाँ से मान लो थीटा एंगल पे घूम चुका तो ओमेगा क्या है, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, और डी आर बाई डी टी क्या है, मेरा जो सेंटर के प्रति अप्रोच वेलोसिटी है वो तो मेरा क्या है, माइनस यूनिट 3/2। तो यहाँ पे क्या है, ये टाइम का फंक्शन नहीं है इसलिए सीधे डिवाइड कर दो इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा, सीधे डी थीटा बाई डी आर क्या आ जाएगा, ये 1/√3 r आ जाएगा। समझ में आ रही बात के लिए? ठीक है, क्योंकि ओमेगा जो है यू बाई टू आर आया था, तो बस डिवाइड किया तो सीधे डी थीटा बाई डी टी आ गया। बाई द वे नेगेटिव साइन समझ में आ रहा है क्यों है? क्योंकि r जो है टाइम के साथ घट रहा है, अप्रोच कर रहा है सेंटर को, इसलिए डी आर बाई डी टी नेगेटिव। ठीक है, तो अब तो बस ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेट करो वेरिएबल, इंटीग्रेट कर दो, और t इक्वल टू जीरो पे, यानी सॉरी जब r मेरा ये इनिशियल r की वैल्यू क्या है, l बाई रूट थ्री इनिशियल वैल्यू, जब r l बाई रूट थ्री है तो थीटा की वैल्यू जीरो है, और उसके बाद r इक्वल टू r पे थीटा इक्वल टू थीटा डाल के मेरे पास क्या आ गया, r इक्वल टू l बाई रूट थ्री ई टू द पावर माइनस रूट थ्री थीटा, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लॉगरिथमिक स्पाइरल कहते हैं। ठीक है, चाहो तो लॉग r लिख के उधर फिर थीटा सिंपल आ जाएगा टर्म, दिस थिंग इज कॉल्ड लॉगरिथमिक स्पाइरल। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है। अब एक और क्लासिक प्रॉब्लम करने वाले हैं इंडो की, जहां पे क्या है, एक बिल्ली भाग रही है ऐसे स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ठीक है, और एक डॉग उसको चेस कर रहा है। कैसे, डॉग इज ऑलवेज हेडिंग फॉर द कैट, कैट तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है लेकिन डॉग हमेशा अपने फेस को बिल्ली की तरफ करके भाग रहा है। ठीक है, ऑल्दो नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट चॉइस फॉर इंटरसेप्टिंग, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलोंग इंटरसेप्ट करता तो और जल्दी इंटरसेप्ट कर लेता, बट ठीक है उसका मन कर रहा है बिल्ली की तरफ, उसको भागते जाना हमेशा बिल्ली की तरफ देख के, वो टारगेट लॉक्ड है उसका। ठीक है, उसी तरफ घूम घूम के जा रहा है, विषय के कर्ट पाथ ले रहा है। ठीक है, समझ गए क्या सिचुएशन, क्या लिखा, पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी वी सो दैट वेक्टर वी इज कॉन्टिन्यूसली एम्ड एट पॉइंट बी। तो ये समझो बी के ये पॉइंट ऐसे चल रहा है जो पॉइंट बी, बी इज बिल्ली, ठीक है, ए जो भी है ए डॉग है। ठीक है, ठीक है, समझ गए, तो इसकी तरफ ये डायरेक्टेड ऐसे जा रहा है। ओके, विच इन टर्न मूव्स रेक्टिलिनियरली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू, तो बिल्ली जो है ये यू स्पीड से जा रही है स्ट्रेट लाइन में और यू की वैल्यू जो है बी से छोटी है। ओके, एट इनिशियल मोमेंट वी इज परपेंडिकुलर टू यू, तो ये इनिशियल मोमेंट पे ऐसे मतलब ऑब्वियसली जैसे दिखा रखा है इस तरफ भाग रहा होगा शुरू में, और उसके बाद फिर ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है। ठीक है, ओके, एंड द पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल, इनिशियल डिस्टेंस एल है कैट और डॉग में, हाउ सून विल द पॉइंट्स कन्वर्ज, तो कितनी देर बाद ये इसको पकड़ लेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, तो देखो अभी ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा इन्वॉल्व लॉजिक है, आई वॉन्ट फुल अटेंशन इन दिस। तो देखो क्या माना, किसी जनरल टाइम पे ये पॉइंट जो है ए जो चल के ए डैश पे पहुंच गया और बिल्ली फिर ऑब्वियसली इसकी टैंजेंट के अलोंग पाथ के यहाँ गई होगी। ठीक है, तो अभी इसकी अप्रोच वेलोसिटी क्या होगी, तो ये तो मेरा चल रहा है कितनी स्पीड से, ये तो वी स्पीड से चल रहा है, तो खाली इसकी स्पीड की वजह से तो वी से हमारा डिस्टेंस कम हो रहा होगा, राइट, वी विल बी द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस, लेकिन बिल्ली की वजह से हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, वो किसके हिसाब से बढ़ रहा होगा, यू कॉस थीटा से बढ़ रहा होगा, तो नेट अप्रोच वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी माइनस यू कॉस थीटा हो जाएगी अप्रोच वेलोसिटी, राइट। तो क्या लिखा मैंने, लेट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए बी इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा टू द लाइन ऑफ द मोशन ऑफ बी एज शोन, नाउ लेट कैपिटल टी बी द टाइम ऑफ कन्वर्जेंस, कैपिटल टी टाइम पे मान लो पकड़ लिया, एट दिस टाइम हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ पार्टिकल्स मस्ट बी सेम, तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि अगर पकड़ लिया हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होगी, वी कॉस थीटा डी टी का इंटीग्रल होगा, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, वी कॉस थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो से कैपिटल टी टाइम तक इंटीग्रल वी कॉस थीटा डी टी, राइट। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डॉग का किसी भी टाइम पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इंटीग्रेशन ही तो होगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है डॉग की, वी कॉस थीटा, समझ में आया ये, और ये क्या है, ये बिल्ली के, तो ये क्या हो गया बेसिकली, वी तो कांस्टेंट ही, इसको वी को बाहर कॉमन निकाल ले, तो जीरो से कैपिटल डी टी इंटीग्रल कॉस थीटा डी टी हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। ठीक है, और बिल्ली का हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यू इंटू कैपिटल टी हो जाएगा, इसका मतलब क्या, दिस शुड बी इक्वल टू यू इंटू कैपिटल टी, समझे, बिल्ली का हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट इक्वल टू डॉग का हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, तो इक्वेशन वन क्लियर है। ठीक है,
इसका मतलब क्या, इंटीग्रल कॉस थीटा डीटी को मैं यू बाई वी इंटू कैपिटल टी लिख सकता हूँ कहीं पे अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। यही इस प्रॉब्लम का क्रक्स है, इंटीग्रल कॉस थीटा सीधे निकल आता है। तो अभी इक्वेशन वन क्या, इक्वेशन टू देखते हैं। अब क्या लिखा, ऑल्सो अप्रोच वेलोसिटी ऑफ ए, तो ए की जो अप्रोच वेलोसिटी वो कितनी है, स्मॉल वी माइनस यू कॉस थीटा, दिस इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द डॉग एंड द बिल्ली, ठीक है। तो क्या होगा, नाउ सिंस अप्रोच वेलोसिटी इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ सेपरेशन, इट्स टाइम इंटीग्रल शुड गिव द टोटल डिक्रीज इन सेपरेशन। अप्रोच वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस, राइट। अप्रोच वेलोसिटी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल डिक्रीज इन डिस्टेंस। तो जब इनिशियल डिस्टेंस कितना था एल, फाइनल डिस्टेंस कितना है जीरो, तो डिक्रीज इन डिस्टेंस कितना हुआ एल। समझ में आई बात की नहीं, तो इसका मतलब क्या है, v माइनस यू कॉस थीटा dt, इसका इंटीग्रल जो होगा ये क्या होना चाहिए, ये एल के बराबर होना चाहिए। और अभी क्योंकि v तो कॉन्स्टेंट ही है तो इसको v इंटू कैपिटल टी लिख लिया, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस यू इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा dt आ जाएगा, राइट। और ये जो इंटीग्रल कॉस थीटा dt है, इसको पहली इक्वेशन से मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, समझ गए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये मतलब वन ऑफ टाइप का चाबी वाला क्वेश्चन है, जहां पे पहले से हमको स्ट्राइक नहीं करता कि इंटीग्रल कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ना, इंटीग्रल कॉस थीटा पहली इक्वेशन से एज इट इज सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे। तो इंटीग्रल कॉस थीटा को पहली इक्वेशन से डाल दो, तो क्या लिखोगे, यू टी बाय स्मॉल वी लिख दोगे इंटीग्रल कॉस थीटा को, तो यहाँ पे यू टी बाय स्मॉल वी डाल दो, ठीक है। इंटीग्रल कॉस थीटा को क्या आ जाएगा, ये तो वी इंटू कैपिटल टी हुआ, माइनस यू इंटू यू कैपिटल टी बाय वी इज इक्वल टू एल। समझ में आया, अब तो बस सिंपल है, टी के लिए सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, तो टी कितना आ गया, एल वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये मेरा टाइम ऑफ कैचिंग आ गया। और फाइनाइट टाइम में अगर कैच करना तो ऑब्वियसली v को u से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो वो नेगेटिव टाइम का कुछ मतलब नहीं बनेगा, और इक्वल है तो इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, तो मतलब वो भी कोई मतलब नहीं बनेगा, यानी ठीक है। होगा क्या, अगर बराबर वेलोसिटीज होंगी तो ये फाइनली सेम लाइन के ऊपर चल रहे होंगे, कोलिनियर, और कुछ डिस्टेंस मेंटेन रहेगा इनका आपस में, बराबर स्पीड है, तो एक बार सेम लाइन पे आ गए उसके बाद फिर डिस्टेंस घटना बढ़ना कुछ नहीं होगा, वो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे, शायद अगली प्रॉब्लम में वही डिस्कस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को देख लो और रीड द सॉल्यूशन, लेट मी नो इफ देयर इज एनी डिस्कशन पॉइंट। तो अगली प्रॉब्लम क्या है हम लोगों की, फॉर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम, सपोज आर इज द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो अभी देखो इनका इंस्टेंटेनियस सेपरेशन जो है, मैंने ये आर बोल दिया, ठीक है। तो आर और थीटा इनमें भी आपस में कुछ तो रिलेशन होगा, तो मुझे आर और थीटा में रिलेशन चाहिए, ठीक है। क्या पूछा है, फाइंड आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो इसको कैसे कर सकते हो, तो डी आर बाई डी टी तो मेरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है बेसिकली, है ना, वो क्या माइनस ऑफ वी माइनस यू कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। इनफैक्ट डी आर बाई डी टी इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो नेगेटिव है क्योंकि अप्रोच हो रहा है, तो डी आर बाई, क्योंकि या फिर ऐसे सोच लो कि आर टाइम के साथ घट रहा है, इसलिए डी आर बाई डी टी में नेगेटिव साइन होना चाहिए, ठीक है। और डी थीटा बाई डी टी क्या है, वो रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइन है, तो वो क्या है माइनस यू साइन थीटा बाई आर। समझ में आ रही बात की नहीं, क्यों, क्योंकि इसके मोशन की वजह से तो घूम नहीं रही है लाइन, और इसके मोशन की वजह से यू साइन थीटा डिवाइड बाई आर से घूम रही है लाइन। समझ में आ रही बात की नहीं, अब वापस क्या करो, अब फिर से डिवाइड कर दो, तो थीटा और आर में डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, तो डी आर बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, v माइनस यू कॉस थीटा अपॉन यू साइन थीटा टाइम्स आर आ गया, राइट। अब वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दो, तो डी आर बाई आर इज इक्वल टू उधर ले जाके थीटा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो सॉल्व करके क्या आ जाता है, अच्छा इनिशियल वैल्यू ऑफ आर तो मेरा एल है, और जनरल आर पे आर लिख दिया मैंने, एल से आर तक इंटीग्रेट किया, और वहां पे इनिशियल एंगल थीटा मेरा पाई बाई टू है वर्टिकल लाइन के अलोंग तक, और फाइनली जनरल थीटा। तो अब इसको उठा के इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व करके तो मेरे पास ये आ जाता है लॉग ऑफ आर बाई एल इज टू वी बाई यू लॉग ऑफ टैन थीटा बाई टू माइनस लॉग साइन थीटा, वो कर लेना इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ गया फाइनली, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते जाओगे, अगर v इक्वल टू यू है, स्पेशल केस की मैं बात करूं, अगर v मेरा u के बराबर हो गया, उस केस में पकड़ तो नहीं पाएगा लेकिन पाथ मैं निकाल सकता हूं, ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है अगर v और u को बराबर डाल दोगे ना, क्योंकि इसमें पावर v बाई यू आ रहा है, ठीक है। तो v बाई यू, अगर v और u बराबर हो तो पावर वन में चला जाएगी, फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री लगा के, तो वो सिंप्लीफाई करते हो तो ये फाइनली सॉल्व करके एल अपॉन टू कॉस कर थीटा बाई टू या फिर एल अपॉन वन प्लस कॉस थीटा आ जाता है, एंड दिस हैपेंस टू बी इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शंस, ये जनरली जो है, इनफैक्ट इस केस में ये पैराबोला है, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस ई कॉस थीटा होता तो वो जनरल कॉनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ई 1 है तो ये पैराबोला की इक्वेशन है मेरी, ठीक है। तो दिस पोलर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। जनरल इक्वेशन क्या होती है, एल अपॉन वन माइनस ई कॉस थीटा, वेयर ई इज कॉल्ड द एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। इफ थीटा वर मेजर्ड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, तो थीटा आर क्या हो जाएगा, एल अपॉन वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए के फ्रेम से अगर हम देखें, ए के ऊपर मान लो एक ट्रांसलेटिंग फ्रेम लगा, तो ए को आर कुछ दिख रहा है और थीटा कुछ दिख रहा है, ए के फ्रेम से बी का मोशन कैसा दिख रहा है, वो पैराबोला दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो फ्रॉम फॉर ए बी अपीयर्स टू मूव अलोंग अ पैराबोला,
और इंटीग्रेशन फॉर्मूलों की तुम्हें कुछ लिस्ट दी थी, अभी एक फॉर्मूला और ऐड करूं, टैन थीटा का इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ सकती है इसके लिए तुम्हें। तो लॉग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा क्या होता है, लॉग ऑफ सेक्स थीटा प्लस सी होता है, ठीक है ओके। और कॉट थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पे एडिशनल फॉर्मूला दिए, मेन लिस्ट में तुम्हारे मिसिंग थे तो वो यहाँ पे ऐड कर दिए, जरूरत पड़ेगी नहीं। इंटीग्रल ऑफ कॉट थीटा, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक थीटा, ठीक है, तो ये याद कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। हाँ यहाँ पे देखो प्रॉब्लम नहीं है, एल अपॉन वन प्लस कॉस थीटा हो या एल अपॉन वन माइनस कॉस थीटा हो, दोनों ही केसेस में शेप एसेंशियली सेम रहेगी। सोच के देखो, अगर मान लो ऐसे करके ऐसे मेरा कोई पाथ है और ये एंगल मेरा थीटा है, इसका मतलब क्या, ये 180 माइनस थीटा होगा, और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा करोगे तो वो भी तो इसका मिरर इमेज ही जैसा बन जाएगा, समझ में आई बात। नहीं तो यहाँ प्लस कॉस थीटा हो माइनस कॉस थीटा हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केसेस में हमारा थीटा तो एनी वे 0 से 2 पाई तक तुम वेरी करने वाले, राइट। तो दोनों केसेस में ही ये पैराबोला ही रिप्रेजेंट करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा हो या 1 माइनस कॉस थीटा हो, ठीक है ओके। इसके बाद रिलेटिव मोशन का लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोगों का, वो अभी हम लोग पढ़ते हैं। अभी क्या है क्वेश्चन, अभी ध्यान से सुनो। अभी क्या है, ए और बी दोनों की स्पीड सेम, ठीक है। पहले तो डॉग की स्पीड ज्यादा थी, कैट की स्पीड कम थी तो पकड़ ले रहा था, लेकिन अभी क्या, डॉग और कैट दोनों की स्पीड बराबर है और परपेंडिकुलर लाइन से नहीं स्टार्ट हो रहा, ये फाई एंगल यहां से इससे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये इसको चेज करेगा ऐसे ऐसे करके, लेकिन पकड़ नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि कैट की वेलोसिटी का कंपोनेंट डॉग की वेलोसिटी कंपोनेंट से हमेशा ज्यादा है उस लाइन के लॉन्ग, राइट। तो कैट तो हमेशा इस लाइन के लॉन्ग चल रही है और डॉग तो धीरे धीरे घूमते घूमते उस लाइन पे पहुंचेगा, तो इसका मतलब क्या, पकड़ तो पाएगा नहीं अगर बराबर वेलोसिटी है। जब तक उस लाइन पे नहीं पहुंचा तब तक हमेशा कैट की वेलोसिटी ग्रेटर है और उसके बाद इक्वल है, तो फिर डिस्टेंस मेंटेन होगा। तो इसमें क्या होगा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे विल हैव सम स्टेशन सम डिस्टेंस व्हिच विल नॉट चेंज विद टाइम आफ्टर दे बिकम नियरली कोलिनियर, विच हैपेंस टू बी एट अ वेरी लार्ज टाइम या फिर थियोरेटिकली इनफाइनाइट टाइम पे होगा ऐसा, बट एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस मेंटेन होगा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके। तो क्या पूछा, सपोज ए एंड बी हैड सेम स्पीड वी एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द चेज ए इज लोकेटेड एट एंगल फाई एंड डिस्टेंस एल विद रिस्पेक्ट टू बी एज शोन, तो यहाँ पे लोकेटेड ए मेरा, ठीक है। व्हाट वुड बी द फाइनल सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर सफिशियंटली लॉन्ग टाइम, तो फिर पूछा है कि इन दोनों में आपस में फाइनली कितना डिस्टेंस होगा। स्टेटमेंट क्लियर है क्वेश्चन की, तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, अभी फिर ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लेते हैं फाइनल सेपरेशन इनका हो जाता है एल डैश, ठीक है, फाइनल सेपरेशन मान लेते हैं एल डैश है, तो डिक्रीज इन सेपरेशन क्या हो जाएगा, एल माइनस एल डैश हो जाएगा, डिक्रीज इन सेपरेशन, बोलो। इनिशियल एल है, फाइनल एल डैश है, तो डिक्रीज इन सेपरेशन विल बी व्हाट, एल माइनस एल डैश, और एल माइनस एल डैश क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का इंटीग्रेशन होना चाहिए, राइट। डिक्रीज इन डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज इन डिस्टेंस, राइट। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, एल माइनस एल डैश, इतनी बात समझ में आ रही है। और दूसरा क्या है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट तो सेम, मतलब फाइनली तो सेम लाइन पे पहुंचने वाले हैं, तो अभी देखते हैं इक्वेशन क्या लिखते हैं। तो फाइनल सेपरेशन मान लेते हैं एल डैश है, वेलोसिटी अप्रोच क्या होगी इसकी, तो वेलोसिटी अप्रोच विल बी, हाँ तो ये हमारा क्या है, ये तो ये भी वी है और ये भी वी है, तो वी माइनस वी कॉस थीटा इज योर वेलोसिटी अप्रोच, राइट। तो 0 से t तक वेलोसिटी अप्रोच का इंटीग्रेशन क्या है, ये टोटल डिक्रीज इन डिस्टेंस, तो ये l माइनस l डैश आ गया। समझ में आई फर्स्ट इक्वेशन। फाइंडली द पार्टिकल्स आर मूविंग विद ऑलमोस्ट कोलिनियर वेलोसिटीज, अब डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सोचो फाइनली तो l डैश हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट के अलोंग ही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग, तो इनका डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट भी l माइनस l डैश होना चाहिए, राइट, रादर डिफरेंस l डैश होना चाहिए, फाइनली इनका फाइनल सेपरेशन l डैश है, तो डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट विल बी एल डैश। तो इसका यूज करके मैंने फाइनली इक्वेशन क्या लिखी है, तो क्या लिखा, फाइनली पार्टिकल्स आर मूविंग विद ऑलमोस्ट कोलिनियर वेलोसिटीज, नाउ डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उल्टी, ये तो क्या हो जाएगा, बेसिकली कैट का कोऑर्डिनेट लिखा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, माइनस डॉग का इनिशियल कोऑर्डिनेट था माइनस एल कॉस फाइव, विद रिस्पेक्ट टू कैट अगर देखे तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट था माइनस एल कॉस फाइव, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट प्लस चेंज इन कोऑर्डिनेट वो फाइनल कोऑर्डिनेट होगा, राइट। तो माइनस, तो इंटीग्रल वी कॉस थीटा डीटी, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये इनिशियल कोऑर्डिनेट उसपे सुपरपोज किया, तो कैट का फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस डॉग का फाइनल कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इसको एल डैश लिख दिया, आया समझ में। अब क्या करोगे, वापस देखो इंटीग्रल इंटीग्रल कॉस थीटा डी टी इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें, यार ये समझ में आ रहा है, इसमें भी इंटीग्रल वी कॉस थीटा आ रहा है, इसमें भी इंटीग्रल वी कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को या तो माइनस कर दो, तो दिख रहा है इंटीग्रल वी कॉस थीटा वाला पार्ट खत्म हो जाएगा अगर सबट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो इंटीग्रल वी कॉस थीटा गायब हो जाएगा और सिंपल सी इक्वेशन एल और एल डैश में बचेगी। तो क्या लिखा मैंने इसके बाद, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू माइनस कर दी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, बचेगा क्या खाली, तो खाली एल कॉस फाइव बचेगा, ठीक है, दिख रहा है, क्योंकि ये भी वी वी इंटू कैपिटल टी है और यहाँ पे भी एक वी इंटू कैपिटल टी आ रहा है, तो वी इंटू कैपिटल टी तो खत्म ही हो गया, ठीक है।
और बाकी सब ट्रैक किया तो खाली क्या रहेगा तुम्हारे पास, ये खाली एल कॉस फाई बचेगा सब ट्रैक करके एल एच एस में, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा एल माइनस टू एल डैश आ जाएगा राइट। तो बस अब इसको रीअरेंज कर लो, एल डैश क्या आ गया एल प्लस एल कॉस फाई अपॉन टू, तो ये मेरा फाइनल सेपरेशन हो जाएगा ठीक है। अगर इनिशियली फाइव 90 डिग्री है तो एल बाई टू हो जाएगा, तो इनिशियली एल से शुरू होगा और फाइनली एल बाई टू हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया सोल्यूशन ठीक है, एक बार पढ़ लो और डिस्कशन है तो बता दो। ओके लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे, अभी क्या पूछा, व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ ए इन द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम ठीक है। तो अभी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का तरीका, अभी थोड़ी देर पहले हमने एंट वाली प्रॉब्लम में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला था ना, बिल्कुल सेम मेथड से हम यहां पर भी कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है वेलोसिटी वेक्टर इनिशियली ऐसे डायरेक्टेड है, थोड़ी देर बाद थोड़ा आगे डायरेक्टेड होगा, तो वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ रोटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा राइट। स्पीड तो कांस्टेंट ही है तो टेंजेंशियल तो जीरो ही हो जाएगा, और वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ रोटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर यानी वेलोसिटी इनटू ओमेगा ऑफ द लाइन जॉइनिंग वो मेरा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, बिल्कुल उसी मेथड से v इनटू ओमेगा आया था v इनटू d थीटा बाय 2 एग्जैक्टली उसी लॉजिक से। तो बस वेलोसिटी निकाल लेंगे, वेलोसिटी तो पता ही है, अब मेरे को बस रेट ऑफ रोटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, तो रेट ऑफ रोटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, सोचो इसकी वेलोसिटी v इस तरफ है और ये एंगल तुम्हारा फाई है, तो v cos फाई v sin फाई, तो रेट ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा v sin फाई डिवाइड बाय l हो जाएगा राइट। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा मेरा v sin फाई बाय l आ गया, तो एक्सेलरेशन क्या है v into ओमेगा दैट इज v स्क्वायर sin फाई बाय l, ये मेरा सेंट्रीपिटल ही है, tan इज जीरो ही है, और v into रेट ऑफ रोटेशन ऑफ v वो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है राइट। तो वो क्या आ गया v स्क्वायर sin फाई बाय l, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है अभी स्पीड स्क्वायर डिवाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये सॉल्व करके मेरे पास क्या आ गया l / sin फाई आ गया ठीक है। आ गया समझ में, क्लियर है ठीक है। सो दिस इज इट फॉर आवर डिस्कशन ऑन रिलेटिव मोशन, और इसके बाद फिर जब अगली क्लास होगी विल पॉज फॉर सम टाइम, इस हफ्ते के टेस्ट के बाद मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करूंगा आगे, तो विल स्टार्ट विद लॉज ऑफ मोशन प्रोग्रेस ठीक है, लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे, लॉज ऑफ मोशन के बाद फिर कंस्ट्रेंट रिलेशंस, और उसके बाद फिर हम लोग फ्रिक्शन और आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ठीक है। ऑलराइट थैंक यू।